पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने अपना इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो शुरू किया कराची बहरिया टाउन से। प्लान तो हमारा ये था कि डायरेक्ट इस्लामाबाद तक गाड़ी चलाएंगे, लेकिन मैं थक इतना गया था कि मुझसे मज़ीद ड्राइव नहीं थी हो रही। इसलिए रास्ते में जब सखर आया तो हमने वहाँ एक होटल में स्टे करने का प्लान किया। उस होटल का नाम है पाकिस्तान क्लब इन होटल। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं, जो लोकेशन का इनका लिंक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और अगर आप मुझसे पूछें कि ये होटल कैसा था, तो इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था। हमारा अलबत्ता वहाँ पर वक्त बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, होटल में ज़्यादा रश भी नहीं था, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ था जहाँ सर्दी की वजह से बच्चे खेल नहीं सके, लेकिन फिर भी देखकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, जहाँ हम सखर से निकलेंगे और मोटरवे से होते हुए डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँचेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बोले भाई, मौसम आप चेक करें ज़रा कितना, यानी ड्रीमी ड्रीमी सा मौसम है। यानी धुंध है, लेकिन शुक्र है इतनी ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो पीछे। और इतने मज़े की ठंड है ना, यानी कराची से ज़्यादा ठंड है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि देखें मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ। लेकिन क्या खूबसूरत यानी एक समा है। अब हम लोग करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। 11 घंटे का सफ़र है, कोशिश मेरी ये, अभी बजे हैं 7 बजे हैं, कोशिश ये है कि हम लोग 8 बजे यहाँ से निकल जाएं नाश्ता करने के बाद। और फिर 11 घंटे का सफ़र है, हम लोग 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब देखना ये है कि मोटरवे पेट्रोल या मोटरवे अथॉरिटी हमें मोटरवे पर चढ़ने देती है कि नहीं, क्योंकि धुंध का आपको पता क्या सीन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और हाँ, जाना मत, क्योंकि मज़े का सफ़र अभी शुरू होने वाला है। ये बच्चों का प्ले एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, मैं रात को आपको दिखाना भूल गया था, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नज़र नहीं था आया। ये छोटे छोटे से इन्होंने यानी कैंप्स भी बनाए हुए हैं, कैंप्स कह लें इसको, क्या कहते हैं यार, कुछ कहते हैं मैं भूल गया हूँ। तो इसमें बैठ के भी आप खाना खा सकते हैं, यानी मज़े का सेटअप किया हुआ है इन्होंने। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ते पर, जो कि ऊपर इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर बुफे किया हुआ है। उधर चल के देखते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसे है। ये है जी इनका नाश्ते का सेटअप, ये बुफे है यहाँ पे। यहाँ पे पीछे गोरे भी आए हुए हैं, यहाँ पर लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये सारा सेटअप है, चेक चलो। ये रहे चने। Oh my God, you're the baba. अच्छा भाई, हम लोग निकल चुके हैं अब, और इंतहा की सर्दी है भाई, यानी सखर नहीं इस्लामाबाद लग रहे। और थैंक यू। कितने? ये हम लोग एंटर हुए हैं जी रोड़ी टोल प्लाजा से, मोटरवे के ऊपर, रोड़ी मोटरवे है ये। और ये चेक करें आप सीधा, एक ये
पिकअप ट्रक है और एक हम है बस। ये आपको बोर्ड चेक कराते हैं, मुल्तान बिल्कुल सही जा रहे हैं। 386 किलोमीटर हमें जाना है। यार कोई भी नहीं है, रोड चेक करें आप जरा, इतना अच्छा लग रहा है, काश ऐसी रहे ये रोड। I think I lost myself in you. I think you lost yourself in me too. Yeah, you lost yourself in me too. Uh-oh, uh-oh, I'm gonna cause a scene again. Uh-oh, 'cause I don't know how to fake it. I know, you're not coming back once you leave. So before you leave, just hear me out. Even though I don't know what to say, no, hear me out. I wanna keep fighting if it means you'll stay. Ooh, it's like we're in the same book, but we just can't find the same page. Ooh, so take another good look before you go. अभी हम लोग रुके हैं जरा फ्रेश होने के लिए। ये रेस्टरूम आपको चेक कराता हूँ। यानी एक अरसा हो गया है ये वाला कूलर यूज करते हुए ना। जब मैं यानी लड़कपन में था, टीनेजर था, तो हमारे घर के सामने लाहौर में मस्जिद थी, उसमें इस तरह का लगा हुआ था, तो देखते ही मुझे वो वाला वक्त याद आ गया। You also came. Ooh, look, they have teddy bears. Yes. मिक्स वाला पड़े दोस्त, चाय कहाँ से मिल जाती है यहाँ से? चाय सर ये ढाबा भी है यहाँ से। अच्छा मिल जाएगी, बहुत आला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोग इस ढाबे पर चाय के लिए रुके हैं ज़रा। ये आप देख सकते हैं लिटरली लिखा है ढाबा। और मेरी हालत क्या हो गई यार, लग रहा है एक अरसे से रोड पर हैं, यानी ज़िंदगी गुजर गई रोड पर। वो मेरे पीछे हाईवे आप देख रहे हैं, वो सारी हाईवे है। अभी हम यहाँ से जाएंगे और हाईवे दोबारा निकल जाएंगे चाय लेकर। या अल्लाह मेरा हेयर स्टाइल। थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स ली हैं, टिश्यू का डब्बा लिया है। अब हम दोबारा से हाईवे पर चढ़ेंगे और इसी तरह यानी करते कराते सफ़र कट ही जाएगा। लेट्स गो गाइस। चलो भाई, ये हमारा स्टॉप था पहला मोटरवे के ऊपर। इसके बाद अब कोशिश यही है कि हम लोग स्टॉप बहुत कम करें, वरना रात हो जाएगी। डेढ़ घंटा हो गया, दो घंटे हो गए ड्राइव करते हुए, और अभी हमने बहावलपुर इंटरचेंज क्रॉस किया है। मुल्तान 129 किलोमीटर अभी दूर है। मुल्तान के बाद हम फैसलाबाद इस्लामाबाद वाली जो मोटरवे वहाँ पर चढ़ जाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम लोग रात तक पहुँच जाएंगे, बस धुंध ना हो, धुंध का थोड़ा सा इशू है। बाकी अभी तक सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ी मज़े की सीनरी है। सरसों के खेत हैं, आम के खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, पता नहीं क्या क्या है, चेक करें ज़रा आप। लोधड़ा और जलालपुर का इंटरचेंज है यहाँ से, और अभी जो मुल्तान है वो तकरीबन 100 किलोमीटर्स बाकी है मेरे ख्याल से, तकरीबन 100 किलोमीटर्स। तो
सफ़र अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, बच्चे थके हैं, सबको नींद आ रही है, मुझे भी नींद आने लगी है, मुझे लग रहा है मुझे रुक के ना मेरा ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालना होगा। ये चेक करो यार, ये क्या सरसों का खेत। मोटरवे पे आ जाती है नींद, इसलिए ध्यान रखा करें, अगर थक गए हैं तो बीच में स्टॉप्स आते हैं, रुक कर थोड़ा आराम कर लें, चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, आधा घंटा रेस्ट कर लें ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि नींद आने का ट्रस्ट में पता नहीं चलता है। ये मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, मैंने आपको सिर्फ करके अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, यानी मैं सोया नहीं था, वह सिर्फ आपको मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है ये क्या क्या हो सकता है। इसलिए अपनी नींद पूरी करके आराम करके घर से निकला करें और रास्ते में स्टॉप्स यानी कि रास्ते में स्टॉप्स ज़रूर लिया करें। अब हम चलते हैं सोने। शेर शाह, भूटान कैंट, मुल्तान और वहाड़ी इंटरचेंज हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम सीधा जाई जा रहे हैं मेरे ख्याल से फैसलाबाद की तरफ, फैसलाबाद इस्लामाबाद इंटरचेंज पे हम लोग चढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से 4-5 घंटे हमें लगे शायद इस्लामाबाद पहुंचने में और फुल टाइम यानी डाउन हो गए और ड्राइविंग बड़ी ध्यान से करनी पड़ रही है क्योंकि थकावट हो गई। अच्छा जी, अभी हमने खानेवाल इंटरचेंज जो है वो क्रॉस किया है इस्लामाबाद की तरफ यानी फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं और जो धुंध है ना वो ज़्यादा होने लगी है, जैसे सुबह थी ना धुंध ऐसी ही होने लगी है और मुझे लग रहा है कि रात को जो है ना बैड सीन हो जाएगा धुंध का और धुंध में ड्राइविंग करना कोई आसान काम नहीं है, यानी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, गाड़ी स्लो हो जाती है और आपका सफ़र भी एक्सटेंड हो जाता है और ख़तरा तो फिर खैर खतरे की अब क्या बात करें धुंध में। अभी अभी हमने क्रॉस किया है जी कबीरवाला इंटरचेंज और कबीरवाला सुनकर मुझे मेरा साला याद आ गया, थोड़ा सा राइम हो रहा है ना इसलिए, तो कोई बात नहीं, कबीर पाशा वापसी जब मैं वापस आता हूँ तो फिर बैठ के चाय पियेंगे। वी मिस यू, अपना ख्याल रखो, मुलाकात होती है जल्दी। अच्छा जी, अभी राइट साइड पर लाहौर इंटरचेंज आ रहा है, लेफ्ट साइड पर फैसलाबाद टू इस्लामाबाद इंटरचेंज है, हम लोग लेफ्ट साइड पर एग्जिट ले लेंगे यहाँ से क्योंकि हमें तो इस्लामाबाद जाना है, लाहौर तो नहीं जाना ना। ये चेक करें आप, अभी हम लोग तकरीबन 350 किलोमीटर दूर हैं इस्लामाबाद से और इस पंप पर रुके हैं अटक के, क्योंकि अटक के काफ़ी पंप अभी बन रहे हैं यानी इन प्रोग्रेस हैं, तो एक ये खुला हुआ मिला है, ऑलमोस्ट एंड हो गया था पेट्रोल यानी, तो फिर अभी हमने रिफिल करवाया और अभी हम लोग यहाँ से फ्रेश हो रहे हैं। ये शॉप भी है यहाँ पर टाइम आउट के नाम से जो कि काफ़ी अच्छी। लेफ्ट साइड पर है फैसलाबाद इंटरचेंज, 1 किलोमीटर बाद अगर आपको फैसलाबाद जाना हो तो आप नीचे उतर जाइए, हमने जो कि इस्लामाबाद जाना है तो हम बिल्कुल सीधा नाक की सीध में यानी बिल्कुल सीधा, इतना सीधा कि नींद आ रही है। This route avoids a road closure on Asian Highway 2 near Rawalpindi. You are on the fastest route. You will arrive at 8:42 p.m. हम लोग लेफ्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, सीधा शेखापुर, शेखपुरा और लाहौर है, हम लोग यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट लेफ्ट, ये टिकट लगाएं।
इस्लामाबाद अब सिर्फ रह चुका है 190 किलोमीटर, और अल्लाह का शुक्र है कि धुंध जो थी वो नहीं पड़ी। हम लोग 8, 8:30, 9 बजे तक मैक्सिमम घर पहुँच जाएंगे। सो इट्स बिन अ वेरी गुड राइड। अभी भी सफ़र बाकी है थोड़ा सा, और बिल्कुल सुन होकर यानी ज़ॉम्बी की तरह मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हमने ये टोल क्रॉस किया जो कि इस्लामाबाद टोल है, और हम लोग इस्लामाबाद एंटर हो चुके हैं, लेकिन हमें बहरिया टाउन जाना है, वहाँ के बहरिया टाउन, इधर कराची का बहरिया टाउन, वहाँ रावलपिंडी का बहरिया टाउन। बहुत थक गए भाई, बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहुँच गए सलामत इन वन पीस। रात के 9 बज गए हैं और हम लोग बहरिया टाउन एंटर हो रहे हैं, यकीन जानिए। और फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मत पूछें क्या हाल है इस टाइम। आज दिन में मुझे गाड़ी की कुछ काम करवाने, क्योंकि रास्ते में गाड़ी के साथ बहुत बुरी हुई। हाँ, गाड़ी का काम कराने के बाद परसों, यानी कल संडे है, कल गाड़ी का काम करवाएंगे, परसों हम लोग निकलेंगे नॉर्दर्न साइड्स के लिए। वो फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, फिलहाल कुछ फाइनल नहीं है। मिलते हैं सुबह। बल्कि एक मिनट, ये हूँ मैं, ये है सोनिया, ये है तलाश, ये है मिली, और ये पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। For the throne, you better show loyalty. I'm on a whole new level.